वेलकम बैक टू माई चैनल। तो मैं आज आपको 8 अक्टूबर के द हिंदू के एनालिसिस में के शॉर्ट नोट में आपको क्या क्या मेंशन करना है, शॉर्ट नोट के लिए आज क्या ज़रूरी है वो बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। पहला है एग्री क्रेडिट सोसाइटी टू बी सेट अप इन ऑल पंचायत। ऐसा अमित शाह जी ने बोला है कि एग्री क्रेडिट सोसाइटी जो कि सेटअप होनी चाहिए सारे पंचायत में, ठीक है। प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी जिसको PACS भी कहते हैं, नेक्स्ट 5 ईयर्स अप टू 2027 प्रमोट करने के लिए फार्मिंग और डेयरी एक्टिविटीज़, ठीक है, ग्रास रूट लेवल पे। तो ये इसका एक एम हो गया कि प्रमोट करना फार्मिंग एंड डेयरी एक्टिविटी ग्रास रूट लेवल पे। ये इनॉग्रेट करना है ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न जोन डेयरी कॉरपोरेशन कॉन्क्लेव 2022 और जिसको बोला जाएगा मनन केंद्र, ठीक है, जिसको बोलेंगे मनन केंद्र, ये याद रखना। दूसरा एक न्यूज़ आया था आज चाइना एंड सोलोमन आइल देखो एक आया था चाइना से रिलेटेड न्यूज़ एक आया था, ठीक है। तो उसमें क्या था कि हमारा जो न्यूज़ है उसमें मलक्का डेलिमा, ठीक है, मलक्का से रिलेटेड चीज़ आई थी क्योंकि वहाँ पे उससे रिलेटेड, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता पर इससे क्वेश्चन ये बनता है कि हमें पता होना चाहिए कि मलक्का डेलिमा है क्या। तो ये जो वर्ड है वो कॉइन हुआ था 2003 में, ठीक है, 2003 में ये वर्ड आया था मलक्का डेलिमा। और ये तब जब उस समय के जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट थे हु जिनताओ, उन्होंने इस वर्ड को बोला था मलक्का डेलिमा, मलक्का डेलिमा, ठीक है। स्ट्रैटेजिक लोकेशन है ये जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का फाल है जो कि सुमात्रा आइलैंड और मलय पेनिनसुला के बीच का है, ठीक है, लोकेशन है ये स्ट्रैटेजिक लोकेशन, और सिंगापुर इसके ईस्ट में आता है। और ये इस चीज़ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, देखो चाइना के लिए मलक्का डेल मलक्का जो जो जगह है या जो स्ट्रेट है, ठीक है, वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि जो 80% चाइना का ऑयल इम्पोर्ट होता है वो पास होता है स्ट्रेट ऑफ मलक्का से, ठीक है, जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है वहाँ से पास होता है। आगे आएंगे, इसमें है अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। तो आज CJI से रिलेटेड आया, जैसे कि पहले CJI दूसरे थे, फिर यू ललित बने, फिर कौन बनेगा, तो मतलब एक अपॉइंटमेंट और ये सबसे रिलेटेड भी चीज़ें हमें जानने की ज़रूरत होती है। वैसे हम जब लक्ष्मीकांत कवर करते हैं तो उसमें तो हम पढ़ते ही हैं, पर यहाँ छोटा सा एक ब्रीफ है कि अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस से रिलेटेड। तो ये जानना है कि जो अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट अंडर क्लॉज 2 आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये आता है, ठीक है, अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा जो कि क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में होता है। CJI जो होता है वो सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होता है। और इसमें एक चीज़ और कि ये जो सीक रिकमेंडेशन ऑफ ऑन गोइंग CJI फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट CJI, तो मतलब क्या होता है कि जब नेक्स्ट CJI जो बनना है तो वहाँ पे रिकमेंडेशन जो आउट गोइंग CJI है मतलब जो अभी तक रह चुके उनकी भी रिकमेंडेशन लगती है। आगे एक चीज़ याद रखना है चंगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हानले लद्दाख में है, तो इससे रिलेटेड हम पहले ही पढ़े थे। देखो आज कहाँ आया था ये न्यूज़, जो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाला पेज है वहाँ पे ट्विंकलिंग स्टार करके आया था, तो वहाँ पे ये चीज़ है। तो हमें प्रिलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना जाना है कि जो चंगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हानले जो लद्दाख में है वो इंडिया का फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व होगा, ठीक है, वो इंडिया का फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व होगा। इसमें क्या होगा कि वो जो विलेजेस हैं, ठीक है, वहाँ पे जो स्टार है वो सब देखने के लिए टेलीस्कोप होंगे जो मतलब रात के टाइम में अच्छे से वो वहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। एक टूरिस्ट प्लेस बनाने की जो एक की जा रही है वहाँ पे जो भी बनाया जा रहा है जो हानले लद्दाख में है, ठीक है, तो ये याद रखना है, उससे रिलेटेड है ये। देखो ये ऑपरेट किया जा रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स IIA के द्वारा, ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलुरु में रहेगा और ये फाइनेंस किया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और IIA जो कंडक्ट IIA जो है वो कंडक्ट कराएगा रिसर्च जो भी एरिया ऑफ एस्ट्रोनॉमी। देखो IIA क्या कराता है, यहाँ पे ये है कि IIA जो है वो कंडक्ट कराता है रिसर्च जो कि वो एरिया होती है एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में,
और एस्ट्रोफिजिक्स के फील्ड में, ठीक है। तो ये था हमारा आज का शॉर्ट नोट का एनालिसिस। पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।